नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं आज मेरे पास एक बोर्ड आया है जो कि लैब केयर का, और ये लैब केयर का 61 का बोर्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे लैब केयर लिखा हुआ है और इसका मॉडल नंबर देख लीजिए LMBH61LA। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, ये बोर्ड तो चालू है लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो पहले आप लोगों को मैं चला के दिखाता हूँ। तो ATX कनेक्टर को इधर लगा देते हैं, और इधर जो इसका वी कोर का जो 12 वोल्ट सप्लाई है वो भी लगा देते हैं, और साथ साथ उसका VGA केबल और इसका जो कीबोर्ड का जो कनेक्शन है देख सकते हैं, कीबोर्ड का भी वायर को हम लगा लेते हैं। इधर लगा दिया, अभी बोर्ड में सप्लाई देके टेस्ट करके देखते हैं। देख सकते हैं बोर्ड में सप्लाई दे दिया, और ये पावर ऑन का जो पावर का जो LED है ये ग्लो हो चुका है। अभी इसको ऑन करके देखते हैं, साथ में उसका फैन को भी लगा लेते हैं। देख सकते हैं फैन को लगा दिया, अभी इसका फ्रंट पैनल से स्टार्ट करके देखते हैं। देख सकते हैं बोर्ड मेरा स्टार्ट हो चुका है और इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कीबोर्ड में भी इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। और डिस्प्ले में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इधर देखिए नो VGA केबल, लेकिन मेरा VGA केबल इधर कनेक्टेड है। तो इसका जो प्रोसेसर है और रैम है दोनों को एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। तो फिर से एक बार बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया। और इसका जो रैम है, रैम को भी निकाल देते हैं और प्रोसेसर को भी निकाल के देखते हैं। प्रोसेसर लगा दिया, और अभी इसका जो रैम है, रैम को भी लगा के देखते हैं। फिर से इसको चालू करते हैं, फिर से लाइट आ चुका है, अभी इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर से स्टार्ट हो चुका है और फिर भी इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देख सकते हैं नल लॉक का भी लाइट नहीं ग्लो हो रहा है, और डिस्प्ले में भी सेम प्रॉब्लम दिखा रहा है, नो VGA केबल देख सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले इसको बंद कर देते हैं फिर से, और सारे कनेक्टर को खोल देते हैं, और आपको एक बार इससे पहले एक बार आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं, कहाँ से कितना वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर से एक बार स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं, और इसका वोल्टेज वगैरह जितना है वो भी हम दिखाते हैं। देख सकते हैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC में सेट कर दिया। पहला इसका जो एक इधर नेगेटिव में लगा लेते हैं, और मल्टीमीटर में ध्यान दीजिए। और पहले इसका जो रैम वोल्टेज है, देखिए रैम वोल्टेज हमको यहाँ से मिल जाएगा, रैम का स्लॉट की साइड में देख सकते हैं 1.6, मतलब ये 1.5 इसका जो रैम वोल्टेज है, ये रैम वोल्टेज बिल्कुल मिल रहा है देख सकते हैं। और इसका बायोस का पिन में भी चेक कर लेते हैं, 3.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बायोस का पिन में भी 3.3 आ रहा है, और CPU तो नहीं हीट हो रहा है, मतलब इसका जो वीकोर वोल्टेज है वीकोर नहीं बन रहा है। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं वीकोर को भी, देख सकते हैं इनपुट में 12 वोल्ट तो आ रहा है, और इसका जो वीकोर वोल्टेज है देखिए 0.0 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको 1 वोल्ट के आसपास होना चाहिए था। तो इसका जो प्रॉब्लम होता है, कहाँ से होता है ये प्रॉब्लम और डिस्प्ले क्यों नहीं आता है, तो मैं आप उसी जगह को आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से सारे कनेक्टर को मैंने निकाल दिया, अभी इस जगह पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक 2.2 का रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर के थ्रू होके यहाँ पे और भी एक रजिस्टर लगा हुआ है 2.2 का। इस रजिस्टर के थ्रू होके यहाँ पे जो वीकोर का जो आईसी है, वीकोर का आईसी का 41 का जो पिन है, यहाँ पे देखिए 42 लिखा हुआ है, 41 का जो पिन है, 41 का पिन में इसका 5 वोल्ट VCC आएगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका ये वीकोर नहीं जेनरेट होगा, मतलब वीकोर वोल्टेज में नहीं मिलेगा और आपका डिस्प्ले भी नहीं आएगा। तो देखिए इसको भी वोल्टेज को एक बार चेक करके दिखा देते हैं, फिर से लगा दिया, फिर से इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, देखिए
और इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज को भी एक बार चेक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने बताया था इस रजिस्टर में देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, इस रजिस्टर के थ्रू होके यहाँ पे भी 5 वोल्ट जा रहा है, और इस रजिस्टर के थ्रू होके यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए था, जो कि देखिए यहाँ पे आपका 4.18 मिल रहा है, और ये 5 वोल्ट आएगा इस VRMIC का 41 पिन में, जो कि यहाँ पे आपको 5 वोल्ट प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं इस बाजू में तो इसका 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इधर इसका 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका जो ये जो रजिस्टर है रजिस्टर को बदल के देखते हैं और फिर से इसका चेक करते हैं कि डिस्प्ले इसमें आया है कि नहीं आया है। फिर से इसको बंद कर दिया, अभी इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए मैंने इसको निकाल दिया और मैं आप लोगों को हाथ में लेके दिखाता हूँ, देख सकते हैं बस क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसका 2.2 करके एक रजिस्टर जो है इसको मैंने निकाल दिया, और इसी जगह पे मैं दूसरा रजिस्टर लगाऊंगा, और ये 2.2 ओम्स का ये रजिस्टर है, देख सकते हैं 2R2 लिखा हुआ है इसमें, तो इसकी जगह पर मैंने दूसरी लगा के आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक ऑलरेडी ले लिया, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका जो 2.2 ओम्स का जो रजिस्टर था वो मैंने लगा दिया, अभी इसमें वोल्टेज चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ इस रजिस्टर से होके इस रजिस्टर के पास में होके यहाँ पे आपका 41 पिन में ये 5 वोल्ट आएगा, अभी देखते हैं इसमें 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर से इसका जो कनेक्टर है कनेक्टर को भी लगा देते हैं, और फैन को भी, और इधर इसका जो VGA केबल है VGA केबल का भी लगा देते हैं, और कीबोर्ड का भी। अभी हम इसमें पावर देंगे, देखिए पावर लाइट आ चुका है, ग्लो हो चुका है, और फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से स्टार्ट हो चुका है और CPU हीट हो रहा है, और मेरा डिस्प्ले भी आ चुका है, देख सकते हैं। अभी आप लोगों को मैं कीबोर्ड से भी ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है, देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आ चुका है। मैं फिर से एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, देखिए रिस्टार्ट हो चुका है, देखिए आ चुका है इसका डिस्प्ले। तो गाइज ये एक छोटा सा ट्रिक का वीडियो था, और वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ कहाँ से क्या किया, देख सकते हैं इस जगह पे एक रजिस्टर है, रजिस्टर थ्रू के यहाँ पे 5 वोल्ट घुस रहा है, इसके बाद इस रजिस्टर पे होके यहाँ पे 41 पिन में इसका VCC जा रहा है 5 वोल्ट। मैं आप लोगों को वोल्टेज को एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, देखिए
इसका वोल्टेज को भी चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हैं 20 वोल्ट डीसी में सेट है। और पहले आप लोगों को जो मैं बताई थी, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक प्रोब ग्राउंड पे रख दिया। अभी इसका इस रजिस्टर पे 5 वोल्ट, उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट, उसके बाद इस रजिस्टर में 5 वोल्ट। देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है, जो कि उस टाइम 4 वोल्ट के आसपास मिल रहा था। और इसका भीकोर वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं इसका भीकोर जो वोल्टेज था 1.1, ये भी मिल रहा है। थैंक यू।